पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं है। सपा के आजम खान और हमारी पार्टी के विधायक को भी सजा सुनाई जा चुकी है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी की पार्टी को भी न्यायालय का सम्मान करना होगा। अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल पर बोले, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोले, विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसे खुद खत्म कर देगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, वो सत्ता के बिना बेचैन है। वो 2022 में अपना सर्वोच्च प्राप्त कर चुके हैं, अभी समाजवादी पार्टी या सफाई परिवार सत्ता आसपास भी नहीं है, इस शताब्दी में आने की संभावना भी नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। और श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को भी माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं, मुझे किसी से डर नहीं। आपने कहा कि सर 2024 की जो लड़ाई है, ऐसे में जब राहुल गांधी 2024 की जो लड़ाई है, ऐसे में भाजपा के लिए बहुत आसान हो जाएगी। जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सदन में नहीं होगा, तो आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई न्यायालय से अभी आदेश हुआ है तो निश्चित तौर से वो उच्च अदालत में जाएंगे ही जाएंगे। अगर जाएंगे तो अगर कहीं से उनको रिलीफ मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं रिलीफ मिलेगी, अगर सजा बरकरार रहेगी तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सदस्यता तो मोहम्मद आजम खान की बगल में चली गई है, और भी कई हमारी ही पार्टी के कई एक खतौली में विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे कोई मुकदमे होते हैं, और जब न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 साल तक की सजा हो या इससे अधिक की सजा हो, विपक्ष को खत्म करिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में, वो सत्ता के बिना बेचैन है, और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से, मैं भी जो समझ रखता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।